नमस्कार दोस्तों टोटल संतावन कंपनियों का न्यूज़ लगा रहा हूँ दोस्तों लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए पहली कंपनी का नाम मार्क एडवर्टाइजिंग है इसकी करेंट मार्केट प्राइस एक सौ प्रति शेयर है यह बोनस देगी एक अनुपात चार की रेशियो में और इसकी एक स्टेट अपकमिंग है अगली कंपनी का नाम भी माघ इंटरप्रा एडवर्टाइजिंग ही है इसकी करेंट मार्केट प्राइस एक सौ रुपया प्रति शेयर है यह स्टॉक स्प्लिट भी करेगी एक अनुपात दस की रेशियो में और इसकी एक स्टेट अपकमिंग है नेक्स्ट कंपनी इंडिया लिंक चैन है इसकी करेंट मार्केट प्राइस एक रुपया प्रति शेयर है यह स्टॉक स्प्लिट करेगी एक अनुपात दस की रेशियो में एक स्टेट तीन जनवरी अगली कंपनी का नाम सिंक्लेयर होटल्स है इसकी करेंट मार्केट प्राइस एक सौ इक्यानवे रुपया प्रति शेयर है इसने अपनी बोनस की मीटिंग 22 दिसंबर को रखी है अगली कंपनी का नाम एच डी एफ सी बैंक है इसकी करेंट मार्केट प्राइस एक हज़ार छः सौ पचपन रुपया प्रति शेयर है इसकी क्वार्टर थ्री रिजल्ट की मीटिंग सोलह जनवरी को रखी गई है नेक्स्ट कंपनी का नाम सेवन एन आर रिटेल है इसकी करेंट मार्केट प्राइस चौंसठ पैसा प्रति शेयर है यह स्टॉक स्प्लिट करने वाली है एक अनुपात दस के रेशियो में मतलब एक शेयर दस शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सडेट पाँच जनवरी नेक्स्ट कंपनी का नाम कैनफिन होम है इसकी करेंट मार्केट प्राइस सात सौ पचपन रुपया प्रति शेयर है यह दो रुपया प्रति शेयर डिविडेंड देगी और इसकी एक्स डेट उनतीस दिसंबर है नेक्स्ट कंपनी का नाम सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग है इसकी करेंट मार्केट प्राइस सत्तावन रुपया प्रति शेयर है यह स्टॉक बोनस देगी चार अनुपात एक की रेशियो में और इसकी एक स्टेट अपकमिंग है नेक्स्ट कंपनी वेदांता है इसकी करेंट मार्केट प्राइस दो सौ साठ रुपया प्रति शेयर है इसने ग्यारह रुपया प्रति शेयर डिविडेंट देने की घोषणा की है और इसकी एक्स डेट 27 दिसंबर है नेक्स्ट कंपनी का नाम संदूर मैगनीज है इसकी करेंट मार्केट प्राइस दो हजार रुपया प्रति शेयर है यह तगड़ी बोनस पाँच अनुपात एक की तगड़ी बोनस की घोषणा की है इसकी एक्स डेट अपकमिंग है नेक्स्ट कंपनी नेस्ले है इसकी करेंट मार्केट प्राइस चौबीस हज़ार तीन सौ पचपन रुपया प्रति शेयर है यह स्प्लिट करेगी एक अनुपात दस की रेशियो में और इसकी स्टेट पाँच जनवरी है नेक्स्ट कंपनी माघ एडवर्टाइजिंग है इसकी करेंट मार्केट प्राइस एक सौ इक्यावन रुपया प्रति शेयर है इसने अपनी स्प्लिट की मीटिंग बीस दिसंबर को रखी है अगली कंपनी का नाम माघ एडवर्टाइजिंग ही है यह बोनस भी देगी और इसने अपनी बोनस की मीटिंग 20 दिसंबर को रखी है अगली कंपनी का नाम अरनॉल्ड होल्डिंग है इसकी करेंट मार्केट प्राइस चौबीस रुपया प्रति शेयर है यह बायबैक करेगी और बायबैक की मीटिंग 21 दिसंबर को रखी है नेक्स्ट कंपनी का नाम श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक है इसकी करेंट मार्केट प्राइस अंठावन रुपया प्रति शेयर है इसने अपनी बोनस की मीटिंग 21 दिसंबर को रखी है नेक्स्ट कंपनी का नाम अक्सर स्पिन टैक्स है इसकी करेंट मार्केट प्राइस छः रुपया साठ पैसा शेयर है इसने अपनी बोनस की मीटिंग 22 दिसंबर को रखी है अगली कंपनी का भी नाम अक्सर स्पिन टैक्स ही है यह बोनस के साथ साथ डिविडेंट भी देगी और इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 22 दिसंबर को रखी है अगली कंपनी का नाम अक्सर स्पिन टैक्सी है यह बोनस डिविडेंट के साथ साथ बायबैक भी करेगी और इसने अपनी बायबैक की मीटिंग 22 दिसंबर को रखी है अगली कंपनी का नाम टी है टी एस टी की करेंट मार्केट प्राइस तीन हज़ार आठ सौ रुपया प्रति शेयर है तीन हजार एक सौ पचास रुपया का टारगेट दिया गया है इसके लिए और इसका टारगेट सिटी ने दिया है नेक्स्ट कंपनी का नाम विप्रो है विप्रो की करेंट मार्केट प्राइस चार सौ चवालीस रुपया प्रति शेयर है इसके लिए टारगेट सिटी ने ही दिया है और इसके लिए टारगेट तीन सौ साठ रुपया का दिया है मतलब स्टॉक डाउन जाएगी नेक्स्ट कंपनी का नाम आई है इसकी करेंट मार्केट प्राइस एक सौ बाईस रुपया प्रति शेयर है इसके लिए टारगेट आनंद राठी ने दिया है और इसके लिए टारगेट एक रुपया का दिया गया है अगली कंपनी का नाम कोल इंडिया है इसके करेंट मार्केट प्राइस तीन सौ रुपया है और इसके लिए आई सिक्योरिटीज़ ने टारगेट तीन सौ का दिया है अब अगली खबर दोस्तों 18 कंपनियों का न्यूज़ लगा रहा हूँ हलचल भरे स्टॉक बायोकॉन वेदांता निस्ले सनफार्मा अपोलो टायर्स बास और अन्य समाचारों में दोस्तों बायोकॉन की खबर यह है कि सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स के निर्धारित समय से एक साल पहले उन्नत और उभरते बाजारों में लगभग 120 देशों में अधिग्रहित बायोसिमिलर व्यवसाय का परिवर्तन पूरा कर लिया है जापान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ दस से अधिक उभरते बाज़ार बाजारों ने वियट्रिस से प्राप्त बायोसिमिलर व्यवसाय के एकीकरण के इस अंतिम चरण में बदलाव किया है अगली खबर वेदांता से है वेदांता खनन और धातु प्रमुख ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्यारह रुपया प्रति इक्विटी शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश की भुगतान दे दी है यानी एक रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य पर 1100 प्रतिशत यह राशि चार हजा, हजार हजार निवासी करोड़ रुपए थी लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि 27 दिसंबर होगी अब नेस्ले की न्यूज़ नेस्ले इंडिया एफएमसीजी कंपनी के कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के उप के लिए इक्विटी शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि 5 जनवरी 2024 तय की है दस रुपये अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर को एक रुपये अंकित मूल्य वाले दस इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा अगली न्यूज है इरकॉन इंटरनेशनल से इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी ने कंपनी और एसकॉम होल्डिंग्स एसओसी के बीच मध्यस्थता के मामले में एक सौ पंद्रह दशमलव नौ करोड़ रुपये के दावों और लागत के मुकाबले इरकॉन के पक्ष में 103.62 करोड़ रुपए का फैसला सुनाया है इरकॉन के समक्ष प्राधिकारी ने उक्त पुरस्कार स्वीकार कर लिया है अगली है देवयानी इंटरनेशनल देवयानी इंटरनेशनल कंपनी की खबर यह है कि सहायक कंपनी देवयानी इंटरनेशनल डी दुबई ने रेस्तरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में नियंत्रण हासिल करने के लिए एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ता, हस्ताक्षर करने के करने के थाईलैंड के त्वरित सेवा रेस्तरा क्यू और सीमित सेवा रेस्तरा एल बाज़ार में प्रवेश की घोषणा की है थाईलैंड रेस्तरा डेवलपमेंट पूरे थाईलैंड में दो सौ चौहत्तर की श्रृंखला संचालित करता है और 4,500 से अधिक लोगों को रोजगार देता है लेन देन का समापन मार्च 2024 से पहले होने की उम्मीद है अगली कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ फार्मा, फार्मा प्रमुख ने मेसाचुस्टस स्थित कंपनी लिंड्रा थेरेप्यूटिक इंक में 30 मिलियन डॉलर में 16.7 प्रतिशत शेयर हासिल करने के लिए एक समझौता किया है लिंड्रा लंबे समय तक काम करने वाली मैखिक एल चिकित्सा के लिए नवीन वितरण तकनीक विकसित करने के व्यवसाय में लगी हुई है अपोलो टायर्स सी एन बी ने सूत्रों के हवाले से खबर देते हुए बताया कि एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक व्हाइट आयरिस इन्वेस्टमेंट एक ब्लॉक डील के माध्यम से अपोलो टायर्स में तीन प्रतिशत इक्विटी बेचने की संभावना है व्हाइट आइरिस का लक्ष्य अपसाइज विकल्प के साथ तीन प्रतिशत इक्विटी में बिक्री के माध्यम से 100 मिलियन डॉलर जुटाना है ब्लॉक डील के लिए न्यूनतम कीमत चार सौ प्रति शेयर होने की संभावना है अगली कंपनी है बॉस प्रौद्योगिकी और सेवा आपूर्तिकर्ता ने क्षेत्रीय विकास और ग्राहक केंद्रितता प्रदान करने के लिए अपनी गतिशीलता व्यवसाय को फिर से संगठित किया है एक जनवरी 2024 से प्रभावी बॉस के संयुक्त प्रबंध निदेशक और बॉस इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष सेल्स मोबिलिटी सॉल्यूशंस संदीप नेल मंगला अपने वर्तमान जिम्मेदारियों के अलावा भारत में गतिशीलता व्यवसाय का संच, संचालन करेंगे संदीप जो बिक्री प्रमुख हैं और अब मोबिलिटी सोल्यूशन से जुड़े रहे हैं अब तक मोबिलिटी सोल्यूशन से जुड़े रहे हैं अब क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी और रणनीतिक विकास को संभालने के साथ साथ पुनर्गठित संरचना की भी देखरेख करेंगे अगली कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इलेक्ट्रिक बस निर्माता ने एम एल आर मोटर्स के खिलाफ 10 करोड़ रुपये जो कि पूंजीगत अग्रिम रूप से भुगतान किया गया था उसकी वसूली के लिए याचिका दायर की थी उक्त याचिका को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैदराबाद ने इस कंपनी के साथ खारिज कर दिया है कि याचिका की विषय वस्तु का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाना है एन ने कंपनी को उसका प्रतिनिधित्व करने की भी स्वतंत्रता दी थी दी यदि मध्यस्थ न्याय न्यायाधिकरण विषय वस्तु के गैर मध्यस्थता के बारे में निर्णय लेता है या जब याचिकाकर्ता के पक्ष में शेयर के आवंटन को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अवैध या गलत घोषित किया जाता है सफायर फूड्स इंडिया अगली कंपनी सफायर फूड्स इंडिया है प्रमोटर्स इकाई समारा कैपिटल पार्टनर्स फंड टू ने पिज्जा हट और के एफ जैसे लोकप्रिय ब्रांड के पीछे कंपनी सफायर फूड्स इंडिया को खुले बाज़ार लेन देन के माध्यम से चौदह सौ रुपये प्रति शेयर की कीमत पर चार लाख उनचास हज़ार नौ सौ निन्यानवे इक्विटी शेयर की पूरी हिस्सेदारी बेचकर बाहर कर दिया तिरसठ करोड़ रुपये की राशि अनप्रमोटर इकाई सफायर फूड्स मॉरिसस ने कंपनी में तैंतीस लाख सैंतीस हज़ार चार सौ तेईस इक्विटी शेयर या पाँच दशमलव दो चार प्रतिशत हिस्सेदारी इस कीमत पर बेची जिसकी कीमत चार दशमलव दो तीन करोड़ रुपये थी हालांकि सिंगापुर की विदेशी निवेशक सरकार ने सफ़ायर में अतिरिक्त एक दशमलव पाँच आठ प्रतिशत हिस्सेदारी या दस लाख पाँच हज़ार पाँच सौ बिरासी शेयर खरीदे हैं और एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड ने उसी कीमत पर बाईस लाख शेयर खरीदे हैं अगली कंपनी है एनएचपीसी कंपनी ने कहा कि उपर्युक्त कार्य कार्यकाल के लिए कंपनी को एक या अधिक बिजली स्टेशन स्टेशनों के भविष्य के नकदी प्रवाह इक्विटी पर रिटर्न सहित के मुद्रीकरण पर विचार करने के लिए बोर्ड के सदस्य 22 दिसंबर को बैठक करेंगे यह वित्त वर्ष 2024 या उससे आगे के लिए कंपनी के लिए कैपेक्स की फंडिंग योजना का हिस्सा है अगली कंपनी है डिश टीवी कंपनी की नामांकन और परिश्रमिक समिति ने बोर्ड में संजय बनर्जी की उम्मीदवारी पर विचार किया समिति ने प्रबंधक प्रबंधन को कंपनी के बोर्ड में उनकी नियुक्ति पर विचार करने से पहले मंत्रालय की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ आवश्यक आवेदन दायर करने की सलाह दी इसके अलावा बोर्ड ने सुनील खन्ना को एक स्वतंत्र निदेशक और भूषण पुरी को कंपनी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है अगली कंपनी है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ कुमार मंगलम बिरला के नेतृत्व वाले आदित्य बिरला समूह ने मध्य पूर्वी फर्म नेब्रास पावर के साथ उन्नत चरण की बातचीत में प्रवेश किया है क्योंकि सीमेंट टू डिटेल रिटेल विविधीकृत समूह एक रणनीतिक निवेशक को शामिल करना चाहता है और अपने नवीनीकरणीय अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है जो ग्रासिम के अंतर्गत आता है इस मामले से जुड़े कई उद्योग सूत्रों ने मनी कंट्रोल को बताया नेब्रास पावर ने दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावित इक्यावन अनुपात उनचास संयुक्त उद्यम के हिस्से के रूप में लगभग 400 मिलियन डॉलर की निवेश की योजना बनाई है डी कंपनी ने 17 दिसंबर से भारी बारिश के कारण फैक्ट्री परिसर में बाढ़ और जल जमाव के कारण तमिलनाडु के साहूपुरम संयंत्र में अपना परिचालन निल, निलंबित कर दिया है कंपनी को उम्मीद है कि जल स्तर वापस आने के बाद परिचालन में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी सामान्य है और अपने समान व्यवसायिक परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए कम से कम सात दिनों का अनुमान लगाता है अगली कंपनी है आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ गोल्ड मैन सेक्स एफ डी एस गोल्ड मैन सेक्स इंडिया इक्व पोर्टफोलियो टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और डी एस पी म्यूचुअल फंड ने छः सौ रुपये प्रति शेयर की कीमत पर आर्कियन केमिकल के तीस लाख उनतीस हजार आठ सौ पंचानवे इक्विटी शेयर या दो दशमलव चार छः प्रतिशत खरीदे हैं जो कि राशि है एक दशमलव आठ करोड़ रुपए गोल्डमैन सैक्स डी एस पी म्यूचुअल फंड ने अतिरिक्त शेयर खरीदे हालांकि इंडिया रिसर्जेंस फंड स्कीम एक और दो ने आर्कियन में ग्यारह लाख अड़तीस हज़ार चार सौ इकहत्तर इक्विटी शेयर छः सौ एक रुपये प्रति शेयर की कीमत पर और उन्नीस लाख तेईस हज़ार अठावन इक्विटी शेयर छः सौ रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बेचे पीरामल नेचुरल रिसोर्सेस ने छः सौ प्रति शेयर की कीमत पर ग्यारह लाख अड़तीस हज़ार चार सौ एक इकहत्तर इक्विटी शेयर बेचे अगली कंपनी का नाम पीएनसी इंफ्राटेक है कंपनी को एक हज़ार एक सौ चौहत्तर करोड़ रुपए की बोली परियोजना लागत के लिए मध्य प्रदेश में हाइब्रिड वार्षिकी मोड एच पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एम की राजमार्ग परियोजना की पहली सबसे कम बोली वाली कंपनी घोषित किया गया है PNC वेस्टर्न भोपाल बाईपास को सर्विस रोड के साथ पेव्ड शोल्डर वाली चार लेन सड़क के रूप में बनाएगी अगली कंपनी है भविष्य के उपभोक्ता मतलब फ्यूचर कंज्यूमर एम फूड ने के एस एल कंटूर फूड प्रोडक्ट एल को तरजीही आधार पर बारह लाख पचास हजार इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं जो एम एन एस फूड्स की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का चौंतीस दशमलव दो पाँच फीसदी है इक्विटी शेयर के आवंटन के बाद एम एन एस फूड्स अट्ठारह दिसंबर से फ्यूचर कंज्यूमर की स्टेप डाउन सहायक कंपनी नहीं रह जाएगी अगली कंपनी है एस जे लॉजिस्टिक कंपनी 19 दिसंबर को एन एस ई मर्ज पर अपने इक्विटी शेयर सूचीबद्ध करेगी निर्गम मूल्य रुपये एक सौ पच्चीस प्रति शेयर इसके इक्विटी शेयर ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे